बच्चों आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है और इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। ए आ ई ओ उ री री ए आई ओ औ। तो ये 11 वर्ण जो हैं स्वर होते हैं। स्वर के भी भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है हस्वर। इसके उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ये कौन से होते हैं? ए ई ओ री री, ये हस्वर होते हैं। नंबर दो पे आते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में हमें हस्वर से दुगना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं। अ ई उ ए आई ओ औ, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में हस्वरों से 3 गुना या उससे भी अधिक समय हमें लगता है। प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए उसके बाद हम 3 लिखते हैं। जैसे हम हिंदी में ओम लिखते हैं तो पहले हम ओ लिखते हैं, फिर उसके बाद में 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं काउंटिंग वाला, उसके बाद में मैं लिखते हैं। तो जब हम इसको बोलते हैं ओम, तो इसको हस स्वर से बोलने में हमें 3 गुना स्वर लगा, 3 गुना समय लगा। इसके बाद में आता है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जिसे हम अंकी बिंदु भी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं हंस, तो वो नाक से अंकी बिंदु का उच्चारण होता है। गंगा, कंधा, गंगा, रंग, मंदिर, लंगूर, तो लंगूर, तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। फिर आता है अनुनासिक। इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे अंगूठी, तो हंस, गंवार, तो हमने इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से मिलाकर किया है। इसके बाद में आता है विसर्ग। जब हम स्वर पढ़ते हैं तो उसमें 2 डिजिट लिखी रहती हैं, अंग और अह। तो जो अह वाला शब्द है, जिस विसर्ग 2 पॉइंट लगे होते हैं अ के आगे, उसको हम विसर्ग कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्रातः है, तो ते के आगे 2 बिंदु लगे हुए हैं, तो जो ये बिंदु हैं इन्हें विसर्ग कहा जाता है, लेकिन उच्चारण में ये है की आवाज़ देते हैं। प्रातः है, नमः है, अतः है, ये विसर्ग होता है। फिर नंबर 2 पे आते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर की तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने में हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है और हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर कौन से होते हैं आपके? क ख ग, ये काउंटिंग में 33 होते हैं। इसके बाद में व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो सबसे पहले आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं ये, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो श है वो किसके मेल से बनता है? क प्लस षटकोण, इसके मेल से ये क्षत्रिय इसका शब्द बन जाता है। फिर आता है त्र, जो त और र के मेल से बनता है, त्र त्रिशूल। फिर आता है ज्ञ, जो ज और अय्या के मेल से बनता है, इसे हम कहते हैं ज्ञ विज्ञान। फिर श्र, जो श और र के मेल से बनता है, इसको इससे जो बनने वाला शब्द है, जैसे श्रमिक है, श्रम है, ये आपके हो गए हैं व्यंजन। इसके बाद में आते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन को हम 2 बार प्रयोग करते हैं तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कच्चा, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? क अधच पूरच, तो ये हो गया कच्चा। बिल्ली, पत्ता, तो पत्ता में अधत पूरत। चक्की, तो आधा क पूरा क, तो इन्हें हम कहते हैं द्वित व्यंजन। फिर आती हैं आपकी मात्राएं।
मात्राएं क्या होती हैं, व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप या चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। सभी स्वर मूल रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और मात्राओं के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जो हमारा अ वर्ड है उसकी कोई, जो हमने अ सबसे पहले हम स्वर में क्या पढ़ते हैं, अ, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी सारे जो स्वर हैं उनकी अपनी मात्राएं होती हैं। फिर र आता है, र के विभिन्न रूप होते हैं। तो जब हम इसमें जो उदाहरण है हमारा र का हम अलग अलग करते हैं, जैसे तीर, तो तीर में सिंपल र हो गया। वर्षा, जो षटकोण के ऊपर जाके शा के ऊपर र लगा। प्रणाम, जो पै में निकला। ट्रक, जो टैक नीचे हो गया। तो जब स्वर रहित र लिखा जाता है तो उसे हम रत्न, कर, भारत आदि होता है। फिर जब हम ऊपर लगाते हैं किसी अक्षर के ऊपर र लगाते हैं, जैसे कर्म, धर्म, पर्वत। फिर आता है र, खड़ी पाई वाले स्वर के साथ में होता है, तो जो व्यंजन के नीचे लगता है, जिसमें क्रम है, प्रणाम है, प्रश्न है, ये इसको हम क्या कहते हैं, खड़ी पाई वाला र। और जब र स्वर रहित होता है और ट, ठ, ड, ण व्यंजनों के साथ जुड़ता है तो उसका जो रूप है वो उल्टा वी जैसा बन जाता है। यह रूप अन्य व्यंजनों के साथ नहीं लगता है। अब अगर हमें ट्रक लिखना है तो ट के साथ में हम इसको लगाएंगे, ड के साथ में लगाएंगे। ये सबके साथ नहीं लग सकता है, ये कुछ ही व्यंजनों के साथ लगता है। धन्यवाद।